बढ़िया बेनिफिट उठा सकते थे यहाँ से। ये अभी भी 14 डेज बचे, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे फाइट लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप सर्वाइवल पॉइंट्स तो नहीं कैरी कर पाओगे, आपको जितने फिनिशेस निकाले उतने फेवर में जाएंगे। बट टीम तमलास वर्सेस सोल देखने को मिल रही है, सोल के पास एक अच्छा व्यू है, मैं कहूंगा एक अच्छा एंगल देखने को मिल रहा है, वहां से कुछ प्लेयर्स को तो इजिली टेक डाउन कर सकते हैं। और वही है, जितने ज्यादा प्लेयर आप टीम तमलास के नॉक करते जाओगे, सिक्योर करते जाओगे, टीम तमलास उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। बट यहाँ पे अल्ट्रॉन को टेक डाउन किया, मावी की एक अच्छी कॉल जरूर आएगी आपको समय पर देखने को मिलेगी। पहली चीज है अल्ट्रॉन का रिवाइवल, जितना जल्दी पॉसिबल करें स्ट्राइकर के ऊपर शॉट जरूर करें। क्या लो ऑन है, व्हीकल ब्लास्ट आई थिंक हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रेनेड के लिए जाएंगे। अब मेंटी ओपी देखिए गए जरूर है, रिवाइवल था, मी भी शायद पॉसिबल हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी होगा। कैरी लाइक लास्ट प्लेयर बचे, बट कैरी जिस एरिया पे होल्ड कर रहे हैं उनके लिए रिवाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा अपनी टीम प्लेयर्स को करना। एंड जी हाँ, देखिए वहां पे स्ट्राइकर ने अपनी हेल्थ को फुलफिल कर लिया, इसका मतलब स्ट्राइकर अभी भी मैच में बचे हुए हैं। एंड मावी को इस चीज का अंदाजा है, बट मार्कोस गेमिंग जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, हु केयर्स और टीम तमलास के प्लेयर्स के लिए। देखिए मावी को पता था कि वहां पे प्लेयर, दैट्स व्हाई वो टारगेट 11 पे आ गए। यहां से ग्रेनेड करते हैं तो मे बी एक इजिली ग्रेनेड कनेक्ट कर सकता है, और सबको पता है मावी का गोल्डन है। बट यहाँ पे स्लैमिंग के लिए कहते हुए शॉट ही तो देखेंगे, मैंटी ओपी जस्ट सामने, क्या एक प्लेयर को टेक डाउन कर पाएंगे? पीछे से भी शॉट आ रहे, एक प्लेयर को तो इजिली टेक डाउन करेंगे मावी, बट दो प्लेयर्स के लिए मे बी डिफिकल्टी बढ़ सकती है। जी हाँ, इसी चीज की मैंने बात करी थी कि दो प्लेयर्स के लिए मे बी डिफिकल्टी बढ़ सकती है। अल्ट्रॉन गए जरूर, बट मावी